अभी तक तो आपने बस सुना ही होगा कि जो औरतें होती हैं वो आदमियों से ज्यादा दिन तक सरवाइव करती हैं, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश करी है? तो मैं बताती हूँ। पहला तो ये लाइफस्टाइल होता है, जो आदमी होते हैं वो स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते। वहीं औरतें जो हैं वो पूरे दिन काम करती हैं और अपने आप को मेंटेन करके भी रखती हैं। हुई लाइफस्टाइल की बात, लेकिन कुछ इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। जैसे मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, वहीं फीमेल बॉडी के अंदर इस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी खुद की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। जबकि आदमियों में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा होने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जब आदमी मोटे होते हैं तो उनके बॉडी में जो फैट होता है ना वो ऑर्गन्स के अराउंड स्टोर होता है, जिसकी वजह से उनका जो पेट होता है वो बाहर निकलता है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फीमेल बॉडी होती है उनके अंदर जो फैट जो होता है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में होता है और वो स्किन के अंदर स्टोर होता है। इस तरीके के फैट को सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो विसरल फैट होता है वो बहुत अनहेल्दी होता है, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड फैट स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है और हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। इसीलिए आपने इन दिनों सुना होगा, इन दिनों का हमेशा ही होता है कि जो 30 to 40 ईयर्स के बीच में मेंस रहते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक ज्यादा आता है। और कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि जो औरतें हैं उनके डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज कि उनको हार्ट अटैक आया एट द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स, है ना। अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।